हाँ स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा सेट थ्योरी कुछ क्वेश्चन है ना, बच्चों को लिटरली हार्ड लगते हैं। वैसे सेट थ्योरी चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी, बट बच्चों कुछ क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। अरे यार, कॉम्प्लिकेटेड जैसे कुछ होता ही नहीं है। जब कोई कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है ना, तो हमें सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट? चलिए, तो आज हम पहले थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं एंड देन आफ्टर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ जो सेट थियरी में सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? सपोज बच्चों, वी हैव वन सेट एक्स एंड वाई, एग्री है ना? ओके बेटा, हम ये सेट के लिए हम एक्स बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, यस और नो? आप तो बोलेगे ही ना, हाँ लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है यार, लिख दिया। चलिए, एक्स बिलोंग्स टू लिख दिया, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सबसेट ऑफ ए? आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं, तो ये भी राइट है। एंड देन x belongs to, अगर हम p of a लिखे तो आपको कोई प्रॉब्लम है? तो आपका आंसर होगा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये लिख दिया। चलिए, यही कंसेप्ट का हमें यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। समझना क्या था इसमें, कि यहाँ पे x a मेंबर है, ये एलिमेंट्स है सेट का, तो x बिलोंग्स टू है, ये सबसेट है तो सेट के फॉर्म में है, और फिर से ये एलिमेंट्स हो गया, ये मेंबर हो गया ऑफ द सेट, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। बस ये कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम ये कंसेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। आपको तो मजा आ जाएगा आज ये सॉल्व करने में। बट याद रखना, डोंट मिस द लेक्चर।